एक बात और बरसबील तस्करा, बाय द वे मैं बयान कर दूं कि ये मोबाइल है, ये मुझे कहीं पड़ा हुआ मिला, इसको कहते लुकता अरबी में, लुकता, इसको कहते नुकता नहीं लुकता, वो नुकते वो शरीर लोग पैदा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं नुकते, वो शरीर लोग उनको ज्यादा ज्यादा नहीं, वो लाम पेश वो होते बेचारे। तो ये लुकता लुकता यानी पड़ी हुई चीज, पड़ी हुई चीज। अब ये मोबाइल मुझे पड़ी मिली, अब मैं इसका क्या करूं? साल भर आप इसको अपने पास रखिए और ऐलान करते रहिए। ऐलान का मतलब ये नहीं है कि एक रिक्शा बुक कीजिए, उसके ऊपर एक भोंपू लगाइए और पूरे निजामाबाद में ऐलान करते फिरिए मुझे एक मोबाइल मिली है। नहीं नहीं, कहीं भी ऐसा चंद लोग मिले यार मुझे एक अच्छी मोबाइल मिली है, ऐसा है वैसा है। वैसे भी मस्जिद में अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो मस्जिद में ऐलान नहीं कर सकते गुमशुदा चीज़ की, जी बाहर जा करके बताइए आप। तो ऐसे लोगों में बयान करते रहिए, साल भर वो आदमी नहीं आया तो अब ये मोबाइल आप यूज कर सकते हैं, ये मोबाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साल भर से पहले नहीं, साल भर के बाद ये मोबाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मोबाइल वाला आ गया, इस मोबाइल का मालिक आ गया, तो आपको ये मोबाइल उसे वापस करनी है। इसको कहते हैं लुकता, और ये लुकते का मसाला है। साल भर आप ऐलान करते रहिए, अपने पास रखिए, साल भर के बाद इस्तेमाल कीजिए, कभी आए तो आप मोबाइल उसको दे दीजिए। लेकिन रहन का मसला बिल्कुल इसके खिलाफ है। मैंने ये मोबाइल आपके पास रहन रख दी और आपसे 2000 रुपए ले लिए, इस मोबाइल को आप कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। मैं आपको 2000 रुपया दूंगा जब, तब आप मुझे मोबाइल वापस करेंगे। ये मोबाइल चाहे खराब हो जाए, चाहे किसी भी हालत में पहुंच जाए, इस मोबाइल को आप यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब रहन का मामला लुकते के अपोजिट है। लुकते को आप एक साल बाद इस्तेमाल कर सकते हैं और जब मालिक आए तो उसको वापस कर दें, लेकिन रहन की चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। शय मरहून से इंतफा जायज नहीं है, शय और रहन रखी हुई चीज से इंतफा आप नहीं कर सकते, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते।